बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस लैब में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट लॉजिकल आईसीज, उनके नंबर्स, उनकी पिन कॉन्फ़िगरेशंस और किस लॉजिकल गेट्स के लिए किस कौन सी आईसी यूज़ करते हैं, और जो डिफरेंट हमारे लॉजिकल गेट्स हैं लाइक एंड और नॉट, नैंड नॉर एक्सक्लूसिव और जो डिफरेंट गेट्स हैं उनके हम जो ट्रुथ टेबल हैं उसको वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर नॉर्मली आपको स्टार्टअप करने से पहले बता दें कि एक जो आपकी आईसी कोई सी भी गेट की है लाइक एंड और नॉट की है, उसके अंदर आपके डिफरेंट गेट्स की अमाउंट होती है। हम क्योंकि यूज कर रहे हैं SSI, इसका एब्रिविएशन है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन आईसी, इनमें जो आपके गेट्स की जो अमाउंट है वो है 12 गेट्स हैं पर चिप, और जो हम इनके पैकेजेस आईसी की यूज करते हैं वो डिप टाइप है, ड्यूल इन लाइन पैकेजेस हैं, जिसमें आप इसको ब्रेडबोर्ड पर जब फिक्स करते हैं और उसके बाद आप ये डिफरेंट आईसी, अब ये आईसी इसकी नंबरिंग दी हुई है जिसमें आपका एंड गेट, और गेट, नैंड नॉर और एक्सक्लूसिव और गेट्स हैं। 748, 7408 आपकी एंड की है, 7432 आपकी और गेट की है, 7400 नैंड की है, इसी तरह 7402, 7404, 74136, 7486, ये डिफरेंट आपकी आईसीज हैं। इसमें हम जो कुछ रिटर्न यूज कर रहे हैं वो है एक TTL की है, लाइक के इस आईसीज को हम जो लॉजिकल सिग्नल देंगे जो हम 0 और 1 की फॉर्म में है लाइक पॉजिटिव 5 वोल्ट या हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज, वो आपका TTL बेस है लाइक ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। उसके बाद अब ये इन आईसीज के जो हम यूज करेंगे उनका इंटरनल स्ट्रक्चर है कि आप उस किसी भी आईसी को आप डायरेक्ट गूगल करें, उसकी डाटा शीट से आपको यही चीज मिलेगी कि आप उस आईसी के इंटरनल आपके गेट किस तरह कनेक्टेड हैं। आप किसी भी एक आईसी को ले लें, फॉर एग्जांपल अगर आप एंड गेट को लेते हैं, ये जो थर्ड वन आईसी है इसमें देखें पिन 1 नंबर 1 एंड 2 जो कि इंडिकेट कर रही है इनपुट को और 3 बता रही है आपकी आउटपुट को। सेम इसी तरह पिन नंबर 7 और 14 है वो आपकी VCC एंड ग्राउंड पिन है, और उसके अलावा जो बाकी पिन है आपकी उसके आपके साथ डिफरेंट गेट्स अटैच हैं। सो एक आईसी में आपके 4 गेट हैं, उसके साथ आप अगर आप आईसी के साथ इनपुट अप्लाई कर देते हैं, आप इसके आउटपुट थर्ड को डिवाइस लगा देते हैं, लेकिन जब तक आप इसको VCC सप्लाई या ग्राउंड नहीं करेंगे तो ये आपकी आईसी ऑपरेट नहीं करेगी। इसके बाद इनकी जो ट्रुथ टेबल्स हैं वो आपने जब इन आईसी को ब्लैकबोर्ड में इंसर्ट करना है, जब आपने इनको सप्लाई देनी है, आपने जब इनको इनपुट्स देनी है, लॉजिकल इनपुट्स देनी है, उसके बाद आपने ये डिफरेंट जो आपके लॉजिकल टेबल्स हैं इनको आपने वेरीफाई करने हैं। फर्स्ट टास्क में यही है कि आपके जो लॉजिकल गेट्स हैं उनको आपने एनालाइज करने हैं, उनके जो ट्रू टेबल बनाने हैं, उन्हीं लॉजिकल आईसीज को आपने इम्प्लीमेंट करके और उन ट्रू टेबल को आपने वेरीफाई करना है, और जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन आपको ट्रू टेबल में दिए हुए हैं आपने उसको जस्टिफाई करना है। तो ये इस टास्क में है कि लॉजिकल गेट्स जो आपके हैं आप उनको किस तरह वेरीफाई करेंगे।